अस्सलाम वालेकुम, मैं उसामा जायद। इस वक्त हम ज़मान पार्क में मौजूद हैं। ज़मान पार्क में एक शख्स जो है बलूचिस्तान से सफ़र करके इमरान खान से इज़हारे यकजहती के लिए ज़मान पार्क में पहुँचे हैं। उनसे उन अपनी बेटी के साथ उन्होंने सफ़र किया, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अशरफ शाह कादरी साहब, फैमिली समेत आप पहुँचे हैं, क्या मकसद है यहाँ पर आने का? यहाँ अपने जान निसार करने के लिए आए हुए हैं इमरान खान साहब के लिए। अगर हमारे एक एक कतरा खून की भी ज़रूरत है तो हम देने के लिए आए हैं। हम छुटकारा चाहते हैं ये गाजिब हुकूमत से, अम्पोटर से, जो इसने बर्बाद करके छोड़ दिया ये। इमरान खान साहब के टाइम पर वहाँ 150 रुपया का तेल मिलता था, अभी 300 रुपया का ये। और पहले अगर हम लोग सफ़र करके यहाँ आते थे तो 1800 रुपये में आते थे, अभी 4500 में हम आए हैं एक बंदे का। सही है। सफ़र जो है वहाँ का आलू जो है आपको मिल जाएगा कचरे से कचरा, वो 150 रुपये का। और आटा का जो थैली 1800 रुपया का, 18 किलो का, वो 3500 रुपया का मिल रहा है हमें जो है। वहाँ हमारे इलाके में ना तो कोई कारखाना है ना कुछ है, बदमाशी है, हर पत्थर से एक सरदार निकलता है, एक गद्दार निकलता है, समझ गया ना। और इनके तरह जैसे ये शोभा शरीफ वाले हैं, ये मरियम नानी है, तो इन लोगों ने गर्क करके छोड़ दिया, पाकिस्तान को बर्बाद करके छोड़ दिया। ये अल्लाह करे कि ये बर्बाद हो जाए, अल्लाह इनको नेस्तनाबूद करे। और हम मदीना भी जाए गया है, ख़ास कर उम्रा करके आया है, वहाँ इमरान खान साहब के लिए दुआ करके आया है, वीडियो रिकॉर्ड करके लाया है मैंने मदीने का भी। वहाँ पूरा पार्टी के लिए दुआ किया है मैंने कि अल्लाह पाक परवरदिगार बारी ताला पीटीआई को जो है उनका तमाम वर्करों को ज़िंदगी दे और तौफीक दे और इमरान खान साहब को सेहत दे, ईमान अदा करे। वो एक औलिया है, एक जमाने का वली है। बलूचिस्तान में ज्यादातर वडेरा सिस्टम है, वडेरा सिस्टम है। आपको डर नहीं लगता आप उनसे बगावत करके यहाँ पर पहुँचे हैं? नहीं, हमारा डर निकाल दिया खान साहब ने, हम तो मौत से भी नहीं डरते, अभी नहीं डरते, बिल्कुल नहीं डरते हम। अभी वहाँ जेल खानजात बनाया था अब्दुर्रहमान खेतरा का, आपने सुना था टीवी में जो है, उस मुर्दार को जो है बगैर हथकड़ी कड़ी से जो है अदालत में पेश किया गया। अगर कोई मुर्गी चोरी करता है तो उसको हथकड़ी लगाते हैं, उसको ले जाके लटकाते हैं उधर जो है। ये सारा बेईमान है, सारा सरदार गद्दार है, सारा मुल्क का दुश्मन है, समझ गया ना। कोई बलोसा का वो वली वारिस नहीं है, एक ही वारिस है इमरान खान साहब, इमरान खान साहब, इमरान खान साहब। इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे यहाँ पे, कोई इंतजामिया को बताया आपने? मैंने अब तक किसी को, अभी भी हम पहुंचे। सही है जी। तो लगता है मुलाकात हो जाएगी, यहाँ पे पासेस जो है वो बन रहे हैं। बस आप इसे दरख्वास्त है, आप तो अभी अभी आए हैं यहाँ पे, इनकी बेटी भी साथ मुझे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। आप भी अपने वाले साहब के साथ आई हैं, क्या जज्बे हैं यहाँ पे? हम इमरान खान से मिलने के लिए आए, हम डरने वाले नहीं, हम यहाँ से नहीं भागेंगे, इंशाल्लाह हम इमरान खान से मिल के जाएंगे और इंशाल्लाह इमरान खान आएगा। बेटा वहाँ पे वडेरा सिस्टम है, आपके वालिद ने बगावत कर दी है, तो वापस जाकर कैसे फेस करेंगे उस जागीरदारी को? हम डरने वाले नहीं, इमरान खान ने हमारा डर निकाल दिया है, हम उनसे आँख मिला के मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। चले माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे अपनी बेटी के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं ज़मान पार्क में, उनका ये कहना है कि वो शिकस्त देंगे वडेरा सिस्टम को और इस तमाम निज़ाम को शिकस्त देते हुए इमरान खान के साथ खड़े हैं। अपने मेज़बान उसामा जायद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।